गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 1.4, जिसमें कहा गया है इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका रेशियो हमको पता करना है, कंपेयर करना है, एक प्रकार से कंपेयर करना है। तो देखिए, ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो सेम होता है, ठीक है, और दोनों ही देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं Fe, जिसमें आपको मालूम है 1/4πε0 होता है, तो उसको K मान लें हम, और इसका चार्ज क्या होता है Q, अगर हम Q मान लें इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का मान भी वैल्यू भी Q होती है, तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, और इसके बीच की डिस्टेंस हम एक एज्यूम कर लें कि R है, तो R स्क्वायर हो गया। इसी तरह से इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम निकालते हैं वो क्या होता है, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, भाई मास तो दोनों के अलग ही होंगे, प्रोटॉन का अलग होता है इलेक्ट्रॉन का अलग होता है, और इनके बीच भी आर स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो फाइंड करें Fe/Fg, तो देखिए K की वैल्यू जो होती है वो हम लिखेंगे, मालूम है आपको K की वैल्यू क्या होती है, G की वैल्यू भी मालूम है आपको क्या होती है, तो K का मतलब होता है 1/4πε0, तो उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁹ का स्क्वायर और डिवाइड बाई जी की, अच्छा आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁺ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻³⁻³ और मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67 × 10⁻²⁷ kg। अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद ये अप्रॉक्स 2.4 × 10⁻³⁹ आ जाए। मतलब इसका क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये तो हो गई पहली चीज। अब अगर यही सेम हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में करते तो देखिए फॉर्मूला वही लगता, सब कुछ वही होता, बस बदलना कहाँ होता, 9 × 10⁻⁹ रहेगा ही रहेगा K की वैल्यू, चार्ज इनका वही रहेगा क्योंकि प्रोटॉनों के बीच जो चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉनों के बीच होता है, तो ये वैल्यू तुम्हारी होती होती, कैपिटल G की वैल्यू भी वही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, बस यहां प्रोटॉनों का चार्ज लग जाएगा दोनों प्रोटॉन, क्योंकि यहां मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर हो जाता है। अब प्रोटॉन का जो होता है वैल्यू वो होती है 1.67 × 10⁻²⁷ का स्क्वायर, तो अब ये जो है मैथमेटिकल इसको थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ता, और जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 1.3 × 10⁻³⁶, यानी कि इस वक्त जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा। ये तो हो गई बात यहां तक। अब इसमें दूसरा जो है, ये तो हमारा ए पार्ट था वो हम लोगों ने लगा लिया, बी पार्ट के बारे में क्या कहता है, कहता है कि फॉर एस्टिमेट एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 angstrom अपार्ट। कहता है कि अगर 1 angstrom अपार्ट हो, यानी कि 1 angstrom के बीच की दूरी हो, यानी आर की वैल्यू 1 angstrom हो, 10⁻⁹ मीटर, 1 angstrom का मतलब क्या होता है 10⁻⁹ मीटर,
तो कितना एक्सेलरेशन होगा? देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन का, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एक्सेलरेशन क्यों होगा? एट्रैक्शन होगा। अगर उनके बीच में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो एट्रैक्शन होगा, अगर डिफरेंट है तो रिपल्सन होगा। तो चूंकि यहां पर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स की बात हमको लेनी पड़ेगी, और वहां पर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उस वक्त कितना फोर्स बनेगा, पहले तो हम फोर्स निकालें। देखिए मास तो हमको मालूम है, मास तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, मास हमको पता भी है, लेकिन हमको क्या नहीं पता है, हमको उनके बीच का फोर्स नहीं पता है। तो फोर्स हम निकालें तो फोर्स हालांकि एक बार निकाल चुके हैं लेकिन एक बार फिर से निकाल लेते हैं। एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में 1/4πε0 चार्ज उनका क्यू स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पे सेम चार्ज होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस। अब देखिए 9×10⁹, ठीक है, और यहाँ पर क्यू जो है वो चार्ज हो जाएगा 1.6×10⁻¹⁹ का स्क्वायर, और उनके बीच में 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब वो 10⁻¹⁰, तो 10⁻¹⁰ दो बार, तो 10⁻¹⁰ का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो लगभग जो है अप्रॉक्स आ जाएगा 2.3×10⁻¹⁸ न्यूटन के। ये फोर्स उनके बीच में काम कर रहा है, इसी फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो अब एक्सेलरेशन में देखिए क्या उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का एक्सेलरेशन। तो एक बार हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे एक्सेलरेशन, और एक बार प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालेंगे। फोर्स दोनों का कांस्टेंट ही रहेगा, दोनों के बीच में म्यूचुअल भाई फोर्स तो हमेशा वही रहेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है, प्रोटॉन यहाँ है, एक बार हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं तो इसकी तरफ आएगा, एक बार इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं प्रोटॉन को छोड़ेंगे तो इसकी तरफ आएगा, लेकिन उनके बीच में जो म्यूचुअल फोर्स है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ये वाला पार्ट। तो अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे उनके, तो भाई ये देखिए ये है ना एफ अपॉन एम, तो फोर्स इनका क्या हो गया 2.3×10⁻¹⁸, और चूंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स और इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 या 9.1×10⁻³१। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2.5×10⁻²² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या सिस्टम है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब बात करते हैं प्रोटॉन की, प्रोटॉन में क्या होगा, प्रोटॉन का मास लग जाएगा, फोर्स वही रहेगा, मास अब प्रोटॉन हो जाएगा, तो फोर्स वही रहेगा तो 2.3×10⁻¹⁸, और मास अब प्रोटॉन 1.67×10⁻²⁷ ये हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 1.4×10⁻¹⁹ मीटर पर सेकेंड, यानी इलेक्ट्रॉन का जो है एक्सेलरेशन ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है कम है, क्योंकि -31 है और ये -27, तो ये इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कम हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों को बताया।